चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह हिस्ट्री टीजीटी के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। इसके पहले के लगातार दो वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए आपको उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और उससे संबंधित सभी पहलुओं को स्पष्ट कराया। यहाँ से उसके आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिएगा कि 1857 की क्रांति के पार्ट 3 और ओवरहॉलिंग लेक्चर की बात किया जाए तो 18, पर आज आपसे बनने वाले इस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ आधारित प्रश्नों पे आज चर्चा होगी। और इस चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो है विद्रोह की असफलता का कारण। तो ध्यान देंगे कि 1857 की क्रांति के असफलता का क्या कारण था, अर्थात इस आज की वीडियो से हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से भारतीय जनमानस, भारतीय क्रांतिकारी, इसमें सम्मिलित भारतीय लोग, उनका संगठन, उनका नेतृत्व असफल हुआ या पूर्णतः सफल नहीं हुआ, और वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से इनको पराजय का सामना या दमन का मुंह देखना पड़ा। तो दोस्त चलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करें आपसे इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स की और आपको यहाँ से बताते हैं प्रश्नों की श्रृंखलाएं किस तरह से आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आइए बात करते हैं आपसे। पहले पॉइंट के अंतर्गत हम आपसे बात करेंगे। पहली पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि विद्रोह में सभी वर्ग का शामिल ना होना, अर्थात 1857 की क्रांति में भारतीयों के सभी वर्ग ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया या सभी वर्ग ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। तो हम देखेंगे कि बड़े जमींदार अर्थात जमींदारी प्रथा के तहत जो बड़े भूभाग के या जो बड़े जमींदार थे उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, बड़े तालुकदार ने भी क्या किया, भागीदार नहीं बने या भागीदारी नहीं की। उसका मुख्य कारण यह था कि बड़े जमींदार, बड़े काश्तकार, तालुकदार थे तो इनका प्रत्यक्ष संबंध अंग्रेजों से था और अंग्रेज इनके लिए करों और विभिन्न प्रकार के सुविधाओं को इन्हें सौंपा हुआ था। तो इसकी वजह से ये भारतीयों की मदद न करके इनका झुकाव किसकी तरफ था, अंग्रेजों की तरफ था। आगे देखेंगे कि महाजन एवं व्यापारी वर्ग भी क्या किए कि इन्होंने भी इस क्रांति में शामिल व्यक्तियों, क्रांतिकारियों को, अब जैसे महाजन की बात करें तो इन्होंने सामान, महाजन एवं व्यापारी की बात करें तो आर्थिक सहायता, सामानों की पहुंच इत्यादि में सहायता न करके अवसर के साथ इन्होंने उनका शोषण किया। तो इसकी वजह से भी क्रांति में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आगे देखेंगे कि आधुनिक शिक्षित वर्ग जो था अर्थात जिसके पास क्रांति को नई दिशा देने की चेतना एवं जागृति थी, जिसके पास क्रांति को एक नए मोड़ पर ले जाने के प्रति उन्नत विचारधाराएं थी, उन्होंने क्रांतिकारियों को पीछे लौटने की बात कही कि आपने गलत किया,
आप क्रांति को वापस ले लें और आप पीछे लौट आए। आगे के क्रम में देखेंगे कि अधिकांश भारतीय शासक अर्थात उस समय जो देसी रियासत के अधिकांश शासक थे वे, अब चूंकि देखिए वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अंग्रेजों के द्वारा सहायता भारतीय शासकों को मिली थी, तो उन्होंने भारतीयों की सहायता ना करके वे किसकी सहायता में लग गए, अंग्रेजों की मदद करने लगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ से विद्रोह में सभी वर्ग के द्वारा क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिए जाने से क्रांति बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव इनकी असफलता या दमन पर सीधे तौर पर पड़ा। आइए दोस्त हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे देखेंगे कि एक संगठित एवं क्रमबद्ध विचारधारा का अभाव, अर्थात हमने ये बताया कि देखिए एक तो प्रबुद्ध वर्ग शिक्षित वर्ग इनका सहयोग नहीं कर रहा है, दूसरा कि इनके जो क्रांति को दिशा दे रहे हैं उनमें विचारधाराओं का अभाव पाया जा रहा है। अब वो अभाव किस तरह से परिलक्षित हुआ इधर देखेंगे कि विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी, अर्थात नेतृत्वकर्ताओं को औपनिवेशिक शासन अर्थात कंपनी के शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी कि किस आधार पे वह शासन सत्ता संचालन कर रही है, दमन में वह किस प्रकार का कार्य कर रही है और विभिन्न प्रकार की उनकी रणनीतियां कैसी हैं और वह संचालन में किन क्रम का अनुसरण करेगी, इसका स्पष्ट समझ नहीं था। दूसरा कि क्रांतिकारियों में विभिन्न वर्गों जो थे वे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के सामने या विद्रोह कर रहे थे, तो इसके कारण विद्रोह कहीं तीव्र हो रहा था कहीं पर धीरे हो रहा था, तो जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। दूसरा कि क्रांति में एकता का अभाव पाया गया, अर्थात सभी एक साथ जुट एकजुट ना हो करके बल्कि अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह विद्रोह करते रहे और वह आसानी से अंग्रेजों के द्वारा दमन भी उसका कर लिया गया। आगे देखेंगे कि इन सभी की अगर यहाँ से चर्चा कर लें तो एक लाइन में कि चेतना व जागृति का अभाव था जिसकी वजह से बेहतर रणनीति बेहतर ऐसे कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी नहीं बना पाए और वे असफलताओं की तरफ ढकेले गए। अगले क्रम की यदि यहाँ से बात करें तो देख लेंगे कि निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि क्रांतिकारियों के अंदर धैर्य का नहीं होना। क्यों? क्योंकि यहां पे देखेंगे कि क्रांति का जो समय निश्चित था वो था 31 मई 1857 और मंगल पांडे के बारे में आपने देखा उन्होंने तो और पहले ही विद्रोह किया, लेकिन जो औपचारिक विद्रोह शुरू हुआ वो 10 मई को ही हो गया। तो आप सभी को एक बात पता है कि युद्ध का विजय उसकी प्री तैयारी पर निर्भर करता है। जैसे आज आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता पूर्व में किए गए तैयारी किए गए अभ्यास पर ही निर्भर करेगी। एग्जाम से 4 दिन 10 दिन पहले आप चाहे जितना पढ़ लीजिए उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो सेम वही बात यहाँ थी कि उसका जो टारगेट था 31 मई और न तो सुनियोजित किया गया न संगठित किया गया न बेहतर रणनीति बनाई गई और 10 मई को ही क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। तो
हमने यहाँ पे देखा कि इनके अंदर धैर्य का अभाव था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, अर्थात जो भारतीय राजा थे वे भी देशद्रोही रुख, अर्थात भारतीयों को सपोर्ट न करके उनका रुख अंग्रेजों के प्रति बना हुआ था। यहाँ पे देखेंगे कि जो देसी राजा थे वे भारतीयों की मदद ना करके अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। इस अंग्रेजों की मदद में उन्होंने क्या किया कि एक तो अपने सैनिकों को वे अंग्रेजों की मदद के लिए लगाए, दूसरा आर्थिक मदद जो भारतीयों की का किया जाना चाहिए था वह आर्थिक मदद भी वो किसका कर रहे हैं, वो अंग्रेजों का कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उनको स्थानीय सपोर्ट सैनिकों के, या ऐसे समझे कि क्षेत्र विशेष की समझ रखने वाले सैनिकों का भी अंग्रेजों को साथ मिला, और जिसके कारण से क्रांति में क्या हुआ कि असफलता में एक कदम उनका मजबूत अंग्रेजों का असफल करने में मजबूत हुआ और इनका डवाडोल हुआ। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सांप्रदायिकता का खेल, मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने में असफल थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने में असफल थे। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बार ही ऐसा हुआ भारत में कि परस्पर वे दो वर्ग जो कभी आपस में एकजुट नहीं हुए, हमेशा उनके बीच में खाई बनी रही, वो थे हिंदू और मुस्लिम, या हिंदू धर्म के व्यक्ति और इस्लाम धर्म के व्यक्ति। लेकिन पहली बार ऐसा जनमानस और ऐसी एकता या स्पष्ट एकता देखने को मिली कि दोनों वर्गों ने एक साथ एक मंच पर बिना किसी भेदभाव के और भाईचारे के साथ यहां पे विद्रोह किया। तो इसको करने के लिए यहां पे क्या किया गया, देखिए सिख एवं मद्रास की सेनाओं को इन्होंने अपने में मिलाया ताकि स्थानीय एक्सपर्ट मिले और इनके इनको क्या किया जाए, कुचला जाए। आगे के क्रम में देखेंगे कि सैनिकों के साथ जनसाधारण को भी गुमराह, अर्थात उनके अंदर सैनिकों को जैसे जहां पे छोटी टुकड़ियां थी बड़ी टुकड़ियां थी घेरेबंदी करके ये अफवाह फैलाते थे कि अधिकांश जगह क्रांति का दमन कर दिया गया, आप भी सरेंडर कर दें और अपनी जान को बचा ले। तो इसके लिए उन्होंने जनता, भोली भाली जनता को भी गुमराह किया कि सभी सैनिक सरेंडर कर चुके हैं और जनता अंग्रेजों के साथ सहयोग बनाने का प्रयास करे वरना उनको भी दंडित किया जाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, यहाँ पे एक मानसिक स्थिति परिवर्तित हुई और क्रांति की असफलता में एक और कदम जुड़ा। आगे देखेंगे जो एक महत्वपूर्ण आयाम था कि क्रांति का पूरे भारत या पूरे भूभाग में फैलाव नहीं हो सका बल्कि स्थानीयता के आधार पे ही आगे बढ़ता रहा। जैसे क्रांति दक्षिण भारत में ही नहीं फैल पाई, पंजाब का अधिकांश हिस्सा इससे अछूता रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उधर से भी सेनाएं बुला करके क्रांति वाले जगह पे लगा ली गई और उनको बल प्रदान हुआ। आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि शस्त्रों का अभाव, ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे लाइन हो सकती है कि शस्त्र का अभाव इनकी पराजय में एक और बड़ा कदम उठाया। क्यों? क्योंकि आर्थिक दृष्टि से क्रांतिकारी कमजोर थे क्योंकि वो स्थानीय थे और इस प्रकार से वे अपने आप को संयोजित किए थे, अर्थात वह देसी करण द्वारा या देसी शस्त्र और हथियार के द्वारा वे अपने आप को कर रहे थे। उसका कारण क्या था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा धन बल का उनके पास प्रबल नहीं हो पाना था। और यदि आगे बात किया जाए तो यहां देखेंगे कि आधुनिक शस्त्रों का अभाव, क्योंकि वो उन
जितने भी आधुनिक शस्त्र हथियार थे, जितनी नई टेक्नोलॉजी थी, उससे अंग्रेज सेनाओं को जो है कि लैस किया जाता था और ट्रेडिशनल ढंग से या परंपरागत से चलने वाले हथियारों से भारतीयों को, तो आधुनिक हथियारों के इनके पास अभाव बना रहा। दूसरा कि उस समय जब वो गोले बारूद एवं विभिन्न प्रकार के ऐसे हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, तब भारतीय सैनिक तलवार एवं भाले के माध्यम से युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पे यह भी इनके पराजय का या क्रांति के दमन करने का एक मुख्य कारण रहा। आगे देखेंगे कि सहायक साधनों का अभाव, सहायक साधनों के अभाव में क्या है कि यहाँ देखेंगे कि रेल, मतलब कि रेल का इन्होंने प्रयोग नहीं कर पाया, या आगे देखेंगे कि डाक का भी इनके लिए बैन कर दिया गया। जो तार के माध्यम से सूचनाएं, मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती थी, उसको भी बंद कर दिया गया जनमानस के लिए। परिवहन का भी अभाव बना हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे इसकी चर्चा करें तो एक स्पष्ट बात सामने उभर के आएगा कि यही वो कारण था जिसकी वजह से संगठन और एकता में कमी बनी, और जो कि संगठन नहीं बन पाने से अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से विद्रोह हुआ, वो भारतीय विद्रोहियों को प्रभावित किया। आगे आएंगे और देखेंगे कि अंग्रेजी संख्या की, अंग्रेजी सैनिक संख्या की अपेक्षा भारतीय सैनिक संख्या में काफ़ी कमी थी। यहाँ पे देखेंगे कि जो इनकी संख्या थी, पहली बात तो वो कम थी, दूसरी कि अब जो भारतीय सैनिक थे वे तो भारतीय सैनिक ही थे, लेकिन अंग्रेजी सैनिक क्या किए कि कंपनी ने बाहर से और ट्रेंड सैनिकों को बुला लिया। अब वो जब ट्रेंड सैनिक जब आ गए तो इनके ऊपर वो भी भारी हो गए। आगे देखेंगे कि अंग्रेजी जो सेना थी वो आधुनिक हथियारों से लैस थी, अर्थात वो प्रशिक्षित थी, और जो भारतीय सैनिक थे उनमें आधुनिक प्रशिक्षण या नए प्रकार के हथियार, यदि वो नए हथियार को लूटपाट भी कर लें तो उनको चलाने में वे सक्षम नहीं थे। तो इत्यादि चीज़ों का अभाव जो था वह भी उनके क्रांति में असफलता को एक कारण के रूप में परिलक्षित किया। आगे की तरफ यदि हम यहाँ पे देख लें तो एक और महत्वपूर्ण बात कर लेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता में यहाँ पे देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता जो यहाँ पे मुख्य रूप से 1857 की क्रांति में जो बनी रही, उसकी वजह से आगे चल करके यहाँ पे एक महत्वपूर्ण काम हुआ, क्या? फूट डालो और राज करो। तो 1857 की क्रांति में ये बात नहीं असफल नहीं हुआ, ये था भारतीयों का एक पक्ष कि ये इनकी मजबूती थी और इसके माध्यम से इन्होंने लंबे या ऐसे समझे कि एक व्यापक स्तर पर कंपनियों के शासन को प्रभावित कर दिया था। तो आज आपसे बातचीत किया गया 1857 की क्रांति पे, और यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे एक क्रमबद्ध तरीके से हमने आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया, और आप इसको अच्छे ढंग से रिवीजन करें क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से थोड़ा सा ठीक ठाक होती है। तो चलिए हम आपसे पुनः मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।